जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इश्क नबी में हम मीलाद मनाते हैं, इब्लीस के दीवाने दिल अपना जलाते हैं। हमें तो बहुत महबूब है हमारा प्यारा नबी, हम तो हर साल ही मीलाद नबी मनाएंगे। तकरीब में आपकी शिरकत हमारे लिए बायस मसरत होगी। मोहम्मद मुस्तफा कोई हद है उनके उरूज की। इसकी शक्ल देख कितनी गोरी आ रही है। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन लो। तुम्हारे ऊपर जो है ना जा रहे हो ना तुम। नहीं वो ऐसा दिखाएंगा कि मैं तूने देखा नहीं। व्लॉगिंग करते हैं, मैंने छुपा दिया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सो बेसिकली मैं ये बोले यार स्क्रिप्टेड चीज चल रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले की तरह खैर खैरियत से होंगे। नहीं होगा तो आपका भाई फिर से आज़ाद। टेंशन की क्या बात है यार। तो आज जो है 12 रबीउल अव्वल है और आज जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से पूरी एक महफिल बनाई जाती है, नातें पढ़ी जाती हैं, तो अच्छा लगता है। तो खैर आज का दिन वही है, रात से जो है ये सब टेंट वगैरह लगा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि टेंट वगैरह की तैयारी कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं। आपका भाई स्कूल बैग में यहाँ पर खड़ा है, टाइम आपका 3:05 हो रहे हैं, आपके भाई को कोचिंग जाना है। मेरिटोरियस साला ने छुट्टी नहीं दी। ये नहीं कि 2 दिन की छुट्टी दे दें यार, 11 और 12 रबीउल अव्वल की दे देनी चाहिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई अभी आ चुके हैं हम लोग बिल्कुल टेंट के अंदर। काम शाम चल रहा था, सारे मैं आया हूँ तो मेरे खौफ से सारे के सारे चले गए हैं। जलवा हमारा तो खैर होती नहीं है यार लोगों के सामने। अब आए ना लाइन पे, मतलब अपने लोगों के सामने नहीं होती, गैरों के सामने फिर कर लेता हूँ, लेकिन अपने लोगों के सामने नहीं होती। खैर आप लोगों को अभी दिखाते हैं। ये पूरा स्टेज बना हुआ है और ये अभी तो मतलब काम चल रहा है। सही है ये कपड़े, ये क्या कहते हैं यार इनको, जल्दी बोल सुबह पनवेल निकल रहा है। इनको क्या कहते हैं, चांदनियाँ, हाँ इनको शायद चांदनियाँ वगैरह कुछ कहते हैं। तो ये लाइटें वाइटें भी खुल गई हैं और बाकी स्पीकर वगैरह भी आ गए हैं, पंखे शंखे सब कुछ लग गए। अब बस कमी है तो सिर्फ सोफ़ों की और लोगों की। और अभी आपका टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 3:15 और मैं निकल रहा हूँ कोचिंग। चलो अब बस चलते हैं, पापा भी यहाँ पे काम करा रहे हैं। यहाँ पे आ गए हैं आपके सोफे और यहाँ पे हो रहा है कदम का काम। ये देखो पापा वेट के करवा रहे हैं, फुल लेक्चर चल रहा है। अरे नहीं चल रहा, मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ। ये देख रिजल्ट देख, इसकी शक्ल देख कितनी गोरी आ रही है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन लो। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं कोचिंग से बाहर, छुट्टी उट्टी हो गई है, इंतज़ार कर रहे बैठे हैं। अभी हम लोग चरपाई के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त जो है हेलमेट लेने गए हैं, वो अपनी बाइक पे आते हैं ना, तो हमें तो जैसे ही लेने आएंगे हम चले जाएंगे। चेंज वेंज करना है, तैयार होना है। अभी आपको दिखाते हैं उनको आते हुए ना, उनकी वीडियो बनाएंगे। तो जा रहे अस्सलाम वालेकुम होता है। वालेकुम अस्सलाम। वही अभी के हमारे सीन कुछ ऐसे हैं कि हम लोग आ रहे थे कोचिंग से और बाइक का टायर पंचर हो गया और अब आपका भाई पैदल चलते हुए घर की ओर। भाई बड़े सीन हो रहे हैं आज के दिन यार। पिछले साल जो सीन हुआ था, अपना रिजल्ट आया था, वो तो माशाल्लाह अच्छा आया था। आज आया है SSC पार्ट 2 का रिजल्ट बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह 80% आई है आपके भाई की। इस साल सीन हुआ राहिम भाई को, आज हमारे जो बड़े भाई हैं उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बड़े सीन चल रहे हैं और आज अस्सलामुअलैकुम। मैं मोटे पूरा शॉट ख़राब कर दिया। चल अब फ्रेम में आया हुआ है, चल बदतमीजी कर रहे है। हाँ तू गलत चीज ही है। हाँ ये कर लो पहले। तो वही पहुंच चुके हैं हम लोग अभी घर। अभी बस चेंज वेंज करके मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट टेंट के अंदर। 2000 years later. मुहम्मद नबीना बिनूरु हदीना मिन मक्का हबीबी नूरु। तो भाई वेलकम बैक, आपका भाई माशाल्लाह सो गया तैयार अभी।
और ऐसा मंजर आम है आप लोगों को, मतलब कोचिंग जाने से पहले जो है वैसा था और मैं आया हूँ तो अब ऐसा हो गया है। आप देख लो फ़र्क कितना आ गया, मतलब माशाल्लाह। खैर अभी महफिल शुरू होगी माशाल्लाह से थोड़ा टाइम बाद, मेहमान वगैरह तो आने लग गए हैं अभी हमारे अशरफ भाई वगैरह। फुल क्रेडिट गोज टू अशरफ भाई, समद भाई और हमारे काशिफ भाई, हमारे ताबिश भाई, हमारे सुहेल भाई, इन सबको क्रेडिट जाता है माशाल्लाह। ये सुबह के 5 बजे से जो लगे हुए हैं वो अब तक लगे हुए ही, अल्लाह इनको अजर दे। बाकी आपका भाई बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, इंस्टा पे पोस्ट डाल दिए भाई, वो फॉलो करो अभी हम लोग मेहमान वगैरह को देखें जब तक फोटोज वगैरह खिंचवा लें। तो भाई अभी के हमारे सीन कुछ ऐसे हैं कि मिलाद हमारा हो चुका है शुरू, नात को हमारी बड़ी प्यारी जो है नात वगैरह पढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई तुम्हारे जो बाल है ना वो ऐसा लगे जैसे जमादार को देखे वैसे, क्योंकि इसकी रीजन जो है ना, पहली बात तो तुम्हारा फोरहेड एम बनाता है ना, इक्वल फोरहेड नहीं है, जो ओवल शेप में ले लो या इक्वल साइड से हो, माना बीच में एक ये लेयर आती है, ये अच्छी नहीं लगती है। दूसरी जब तुम्हारे कानों के बराबर से ये बाल छोटे छोटे निकल रहे हैं ना, ये खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे, मजाक से हटकर झूठ नहीं बोल रहा, इससे भी पूछो। अगर ये वाला इतना बड़ा बाल तुम्हारा इधर होता ना तो मैं यार वैक्स लगाएगी मैंने यार। देखो अच्छा रुको एक सेकंड, इधर आओ आप लोग, ये बताओ कि ये जो हेयर स्टाइल है मेरा, मेरे पे अच्छा लग रहा है या नहीं? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बंद नहीं किया गया हुआ, आप लोग भरमार जो है वोट डालो। वैसे तो गिनती के 14-15 कमेंट्स आते हैं, वो भी मैं खुद करता हूँ, आप लोग करो। कमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप लाइक करिएगा अगर आपको इसके बाल अच्छे लग रहे हैं। ये फजूल यार नहीं करो यार, ये अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर दिया, कमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बताएं, मैं अगर आपको क्लोजर दिखाऊं दाने बैठ गए मेरे, ये तो टट्टी है ऐसा तो बैठ गया। मुझे अभी ये है कि बस ये बैठ जाए ना, बैठने के बाद इसका इलाज शुरू करूंगा मैं। बहुत मनहूस लग रहा है हमारे पास ना इसकी, ये जो हमारा क्रिकेटर है, गलती से क्रिकेटर जो है हमारा, ये हमारे पास एक दो चीज़ें रहती थी याद है, हमने बहुत पहले मंगवाई थी बॉलें। तो हजरत ये लें, हजरत हजरत अजीब जानवर है, फूका ही रहता है। मैं दूंगा पीछे, मैं टिप्पा दूंगा। एक सेकंड शीशे में आओ, हाँ ये नाइस कैच। क्या बोला तूने? नहीं आज देख सकते हैं यार, शाही यहाँ भी तो बड़ा नसीम शाह के बाद आ गई उसकी बॉल। अब ये बॉल जो है ना कुछ भी, इसको मैं सोसाइटी में खेल लिया, इसको मैंने छक्के पे छक्के मारे थे। बल्ले की बात ये थी, ये है हार्ड बॉल वाला, वो थी बॉडी बॉल। टेनिस बॉल को तो अगर आप बल्ले से टच भी करो तो ऑटोमेटिकली छक्का ही जाता है, ये चार तो लाजमी जाएगा। क्रिकेटर जो होता है, जो बॉलर होता है, तो टेनिस बॉल तो वैसे ही हल्की होती है, उसकी तो और तेज आनी चाहिए, इसकी नहीं आई थी, मैंने इसको मारे थे बेचारा। कोई बात नहीं, अरे तो दो तो रख लो, फिर मैं व्लॉग शुरू करूंगा, फिर तू अपनी लाइन पे आया। आपका व्लॉग शुरू हुआ है, दिख रहा है। दो रख लो, दो दे नहीं रहे। अरे यार ये भी आया हुआ गलती से, पता है मैंने, मैं अभी वो वाला एडिट कर रहा था। दुनिया में गलती से आए, ये यहाँ पे गलती से आए। अपने घर जाना है भाई, एक मिनट। राधे राधे, ओह राधे राधे, कैमरे में देख रहे हैं। मैं भी करो राधे राधे, तुम बाद में करोगे। वो तो देख ली, देखी जाएगी वो बाद में। मैं स्ट्राइक डाल दूंगा साले को, बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम, केम छो, क्या हाल है? राधे राधे, अब जो भी खानदान में मिल रहा है वो सारे यही कह रहे हैं राधे 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 राधे। अबे भाई यार हाँ ठीक है, हमें थोड़ी पता था लोगों के बोलने से पहले, मुझे पता भी नहीं था कि सलमान खान की ऐसी कोई मूवी है लिटरली। तो अभी मेरे को पता चला है, और जब मैंने देखी क्या बकवास एंडिंग थी यार उसकी। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, अभी माशाल्लाह से इवेंट बड़ा मजे का गया, खाना वाना भी सब सेट गया, केटरिंग वगैरह सब गए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कबूल करे आपको और हम सबको, अल्लाह जजाए खैर दे। तो भाई वेलकम बैक, तो हमारी बिल्कुल एंडिंग ही चल रही है।
तो अभी लपेट रहे हैं, वो देखो वहाँ पे वो लपेट रहे हैं, सब जो है लगे हुए काम काज चल रहे हैं। और बाकी आपका भाई ने चाय का बताया था, तो आपके भाई की चाय चल रही है। ज़्यादा चाय हम पीते नहीं है, बस ये पांचवा कप चल रहा है मेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। हमारे सुहेल भाई यार, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है यार, नो डाउट सब ने बहुत मेहनत की है, सिवाय हमारे हम कह सकते हैं। और बाकी अपना यही चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज की हमारी महफिल पसंद आई होगी। मैंने पिछले साल ही बनाया था, मैं जब 10 में था, या हाँ मैं 10 में था, 10 का बल्कि फर्स्ट टाइम में था, सॉरी मैं फर्स्ट टाइम में था, मेरे 10 का रिजल्ट आ रहा था तब मैंने बनाया था, लेकिन पता नहीं कुछ अशरफ भाई आ रहे हैं तो कुछ मसले हाथ की वजह से मैं नहीं डाल सका, पता नहीं क्या थे, अभी मुझे याद तो है नहीं, बाकी मैंने पूरा बनाया था व्लॉग एग्जैक्ट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो, अगर पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करना। मैंने वो एक चीज़ का भी पूछा था कि ये बाल मेरे पे सूट कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताइए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई हद है उनके उरूज की, जो गया है फर्श से अर्श तक।